अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। देश के लोगों को ईंधन के मोर्चे पर लगातार महंगाई का झटका लग रहा है। आज भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी कर दी है। आज हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर कच्चे तेल के दाम सस्ते हुए हैं, पर देश में घरेलू मोर्चे पर पेट्रोल डीजल महंगे हो गए हैं। आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में 40 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल के दाम 103.81 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 95.07 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं मुंबई में पेट्रोल का दाम बढ़कर 118.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल का दाम 103.07 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुका है। चेन्नई की बात की जाए तो चेन्नई में पेट्रोल 109.34 रुपये और डीजल 99.42 रुपये प्रति लीटर के भाव पर बिक रहे हैं, और कोलकाता में पेट्रोल का दाम 113.45 रुपये प्रति लीटर और डीजल का दाम 98.22 रुपये प्रति लीटर हो गया है। बता दें कि 14 दिनों में 12 बार पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है और कुल मिलाकर ये 8.40 रुपये प्रति लीटर महंगे हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में हुई बढ़ोतरी को इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है। हालांकि आज कच्चा तेल कुछ सस्ता हुआ है, पर देश में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने के पीछे पिछले दिनों हुई बेतहाशा वृद्धि का कारण माना जा रहा है। वहीं कई जानकारों ने पिछले महीने कहा था कि विधानसभा चुनावों के समय वाहन ईंधन कीमतों में बदलाव नहीं करने से सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी को $2.2 अरब यानी कि 19,000 करोड़ रुपए के आसपास का राजस्व का नुकसान हुआ है। वहीं एक जानकारी के मुताबिक कच्चे तेल के दाम 100 से $120 रहने पर पेट्रोलियम कंपनियों को डीजल की कीमतों में 13 रुपये से ₹25 प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमतों में 10.5 रुपये से ₹22.5 प्रति लीटर की वृद्धि करने की जरूरत हो सकती है। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।